तो भाई लोग, तुम्हारा भाई आ चुका है वापस एक और नई पबजी गेम प्ले वीडियो में। इस गेम प्ले में तुम्हारे भाई के साथ क्या होता है कि उसमें बहुत जोश आ जाता है, तो वो क्या सोचता है कि हम सोलो भी स्क्वाड तो खेलेंगे पर एलओसी में खेलेंगे, एलओसी माने मिलिट्री बेस। अब वो क्या करता है, उतर जाता है मिलिट्री बेस में, तो क्या होता है अब आप खुद देखिए। तो तुम्हारे भाई ने क्या सोचा था कि यहाँ पे मुश्किल से एक से दो बंदा आएगा, पर यहाँ पे उतरते साथ हम क्या देखते हैं कि तीन से चार स्क्वाड पहले ही यहाँ पे एलओसी में पीओके खेलने की प्लानिंग है। तुम्हारे भाई में तो है जोश, तो उतर जाता है समुद्री इमारत यानी सी बिल्डिंग में। अब उतरते साथ वो चीज़ होती है जो ज़्यादातर लोग यानी कि सब के सब को इस ज़माने में तो इतना गुस्सा आता होगा, वो है स्क्वाड ड्रॉप में गन्ना मिलना। अब तुम्हारा भाई सोचता है कि पैराशूट में एडजस्ट कर देते हैं, पर होता नहीं है। तुम्हारा भाई की फिस्टी असॉल्टिंग तो आप जानते ही हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि हम गन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बर्स्ट गन मैं आपको चलाना तो सिखा दूंगा, बट आपको ही पता है कि हॉट ड्रॉप में बर्स्ट से क्या होता है। तो यहाँ पे DBS ले लेते हैं, 201 शॉट डेड, क्योंकि अभी उतरते साथ तो सबको लेवल 3 वेस्ट मिलेगी नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई कुछ पंगे लेता है सीलिंग के साथ। उसके बाद उतरते साथ तुम्हारा भाई कोई भी गन ढूंढता है यानी कि 7 की ओ। मैंने पिछले वीडियो में कहा था 7 की गन शुड बी प्रेफर्ड ओवर 5 की गन्स इफ़ यू आर इन एंगेज्ड इन अ क्लोज रेंज फाइट। तो अब यहाँ पे तुम्हारा भाई 7 की गन ले लेता है। अब क्या होता है कि मतलब अब भाई को तुम्हारे बंदे ढूंढने हैं और ऊपर से एक AR भी चाहिए ताकि फुल चल सके। अब PP बाइजन पे तो मेरे को छटाक भर का भरोसा नहीं है। तुमको ही पता है कि SMG UMP तक तो ठीक है, पर PP बाइजन भाई मारते रहो बंदा ढिल के नहीं देता है। अब यहाँ पे एक्सटेंडेड मिल जाती है, तो MK47 पे लगा के गोली बढ़ा लेते हैं, कहे कि बार बार रिलोड कब तक करते रहेंगे। मेरे को मालूम था कि आगे चल के 7 की गन मिलेगी, इसीलिए मैंने वहाँ पे 5 की एमओ नहीं उठाई। और आगे देखो वही होता है, 1 AM मिल जाती है। यहाँ पे पता नहीं मेरा रेंडर बार बार क्यों नहीं हो रहा था, पर दैट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद तुम्हारा भाई सोचता है कि चलो अब उतरते हैं, क्योंकि बार बार गोली के सिंबल आ रहे थे और तुम्हारा भाई था जोश में। तो बस फिर जहाँ गोली वहाँ तुम्हारा भाई। अब मैंने पहले सोचा कि इधर से चलो फिर, पर अचानक से मेरे सामने से यानी कि नॉर्थ ईस्ट से गोली के सिंबल उससे ज़्यादा डार्क से आ रहे थे, यानी कि यहाँ पे बंदा और पास में है। तुम्हारा भाई बोलता है पहले पास को निपटाते हैं फिर दूर जाएंगे। अब यहाँ पे मैं जाता तो बड़े जोश में, ऊपर देखता हूँ कि वहाँ पे पहले ही स्क्वाड लड़के ढल चुका है। तो अब आप देखते रहो कि आगे होता क्या है। अब मैं देखता हूँ कि बहुत देर से कोई बंदा लगातार बैरल और M4 का स्प्रे दिए ही जा रहा है। तो क्या उसका थोड़ा चौड़ ठंडा कर देते हैं। अब जाता हूँ मैं, तो सोचता हूँ कि मेरे को पता था कि इस घर में बंदा है, क्योंकि मेरे को सिक्सेंस काम कर रहा था, बट मेरे को लगा कि हम लेफ्ट से जा सकते हैं, पर लेफ्ट हो जाएगा ओपन, तो आई थॉट कि राइट से प्लान करना चाहिए। अब राइट से गए, अब राइट में क्या देखते हैं कि ये नए वाले जो रंगल 2.0 यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है जाने की। तो कोई बात नहीं, हम और राइट से फ्लैंक मारेंगे। अब यहाँ पे मेरे को ना एहसास 100% हो गया था कि आगे नहीं तो यहाँ पे बंदा है, तो यहाँ पे जाके थोड़ा छानबीन करते हैं और देखिए क्या मिलता है। कुछ खास तो मिला नहीं, पर मैं आगे जाके देखता हूँ कि यहाँ पे बंदा है। तो अब यहाँ पे बस कवर टू कवर फाइट लेने की मैं सोच रहा था, पर वो बंदा मेरे साथ ही लुका छुपी खेलने लग गया। तो अब क्या करना था, पेशेंस था, सीधे जाके मारना था। अब सामने ही बंदा दिख जाता है। सोच तो मैं रहा था कि उसको DBS से नॉक कर दूँ, बट AKM इज़ आपको पता है 7 गिगन्स। तो उसके बाद यहाँ पे नॉक करने के बाद उसको किल कर दिया, क्योंकि सोलो भी स्क्वाड खेल रहे हैं, नॉक करना तो सब स्क्वाड का काम होता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट किया कि कोई आ जाए, M4 ले सकता था, बट फिर ओपन गेट से कहीं फायरिंग पड़ गई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि आगे जाके देखते हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा फाइटिंग चल रही थी। तो यहाँ पर तुम्हारा भाई वापस से अपने बैग में जगह खाली करने लग जाता है 5 AMO के लिए। उसके बाद वही बंदों को मारने की चौड़, भाई तुम्हारा बाहर निकलता है और देखता है कहाँ पे ये लोग लड़ रहे हैं। बार बार किल फील्ड में मैसेज आ रहा था, तो जोश रुका नहीं जा रहा था। तो आप देखते रहिए आगे क्या होता है। यहाँ पे मेरे को बार बार बुलेट के साइंस आ रहे थे, कहीं पे किल फीड आ रहा था, बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था कि बंदे कहाँ पे हैं। ESP तो है नहीं तुम्हारे भाई के पास, तो इधर ही उधर जाना था। मेरे को लगा यहाँ पे कोई बॉट उट मिल जाए, पर कुछ मिला नहीं। पर आगे क्या होता है कि मेरे को अभी एक बंदा मिलेगा। वो मेरे को लगता है कि नूब है, बट जब उसका स्प्रे पड़ता है तो कवर लेना ही बनता है भाई, क्योंकि ओपन में है और वेस्ट भी लेवल 3 है नहीं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं कोई बंदा दिखता है, तो मेरे को मैं पूछता हूँ कि बॉट फायर करूँ ताकि वो मेरे पे एम करे। और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे सी बिल्डिंग के छत में बंदा है, तो वहाँ पे मैं उसको हल्का सा डैमेज देता हूँ और वो बल्कि मेरे को हेड दे देता है। कोई बात नहीं, मेरा हेलमेट तो डैमेज हुआ नहीं यानी कि वेस्ट पे मारा। तो मैं सोचता हूँ कवर से आके उसको स्प्रे दूँ, बट रेड डॉट में कुछ दिखता ही नहीं है, तो मैं सोचता हूँ हील कर लेता हूँ, वरना एक और हेड पड़ा तो शायद मैं नॉक हो जाऊँ। और नॉक यानी कि सोलो भी स्क्वाड है तो सीधा किल होगा। तो मैं बैंडेज लगा लेता हूँ, थोड़ा साइड में जाता हूँ ताकि देखता हूँ कि ये दिख भी रहा कि नहीं।
यहाँ से दिखता नहीं है, फिर मैं क्या सोचता हूँ कि सीधा जाके रश मारना है, तुम्हारा भाई से रश खेलता है, कैंपिंग वैम्पिंग तुम्हारे भाई से नहीं होती है। तो उसके बाद सीधा हील किया और सीधा सामने गए। अब सामने जाके आप इस गेम की सबसे शर्मनाक हरकत देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखता हूँ दो बॉट लड़ रहे आराम से, वो बंदा किसी घर में कैंप करके बैठा हुआ है। अब मेरे को लगा बॉट ने उसकी पेटी बना दी, मैं चला गया यहाँ से। पर जब मैं वापस आऊँगा तब आप देखिएगा कि वो बंदा एक्चुअली बॉट को लूट रहा, पता नहीं क्या मज़ा मिल रहा है उसको बॉट को लूटने में। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लगातार फुटस्टेप्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली है कहाँ, क्योंकि स्क्वाड हुई तो फंस जाएंगे, क्योंकि सी बिल्डिंग के अंदर 1v4 नहीं हो सकता है। मैंने होने को हो सकता है, पर तुम्हारे भाई में अभी बहुत ज़्यादा ही जोश है। तो यहाँ पे मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे, तो मैं क्या देखता हूँ कि लेफ्ट में दो बॉट की फाइटिंग पार्टी चल रही है। तो क्या था, दोनों को मुक्ति देनी थी, तो बस चला गया तुम्हारा भाई दोनों को मुक्ति देने। पहले मेरे को लगा कि इन दोनों में से कोई बंदा होगा, पर इनके नाम पर मेरे को लगा इनमें से बंदा तो कोई नहीं है। अभी भी उस बंदे की बेशर्मी देखो कि वो अभी तक नहीं निकला है, वहीं पे बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा है। अब तुम्हारा भाई सोचता है कि आगे चलते हैं, यहाँ पे तो कोई मिलेगा नहीं क्योंकि वो कैंपर है। अब उसकी बेशर्मी की हद देखो, अभी मैं जाऊँगा ओपन में भाग रहा हूँ, कुछ मूवमेंट वूवमेंट नहीं दे रहा हूँ, सीधा ऐसे नॉर्मल भाग रहा हूँ, पर उसको एक गोली नहीं चला रहा, वो इतनी उसकी फटी पड़ी है। तो यहाँ से निकल जाता है तुम्हारा भाई गाड़ी ढूंढने के लिए, गाड़ी मिल भी जाती है। पर यहाँ पे वो बंदा करता है अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती, वो थी गलती से गोली चला देना। अब मेरे को नहीं पता वो बंदा किसको मार रहा था, पर उसने गोली चला दी और वो था बेशरम, तो उसको मारना तो ज़रूरी था। तुम्हारा भाई निकल चलता है उसको मारने के लिए। मेरे को जहाँ तक लगता है कि उसी घर में है, तो मैं इसी घर में ठोकता हूँ, पर मेरे को यहाँ से कोई फुटस्टेप नहीं आते, बल्कि फुटस्टेप आते हैं सामने से, जिस घर में मैं पहले था। तो मैं समझ गया कि ये वही बेशरम कैंपर है। तो मैं क्या करता हूँ, आराम से सोचता हूँ कि कहीं उसमें से वो स्किल्ड प्लेयर निकला तो मेरी तो वाट लगा देगा, और स्क्वाड निकला तो और गंदा फंसेंगे। तो क्या करते हैं, राइट से फ्लैंक मारते हैं। अब उसकी बेशर्मी की सीमा देखना कि वो मेरा इतना देर वेट किया बस वो बॉट की पेटी लूटने के लिए, तो अब उसका मारना फिक्स था। और जब वो मरेगा तो मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा। देखिएगा, यहाँ पे मैं उसको सोचता हूँ कि थोड़ा डैमेज दूँ, थोड़ी एक गोली बॉडी पे लगती है और बस तुम्हारा भाई निकल चलता है उसकी पेटी बनाने के लिए। अब फाइट का एंजॉय करो। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि देखना कि जो मैंने पिछले वीडियो में जो क्राउच एंड शूट की ड्रिल बताई थी वो उसको कैसे परफेक्टली यूज़ करना है। यहाँ पे मैं अगर अभी क्राउच नहीं करता तो उसका शॉट लगता सीधा हेड पे, क्योंकि वो एम ऊपर कर चुका था, मेरे को मालूम था, तो मैंने क्राउच कर लिया ताकि उसकी बुलेट मिस हो जाए, वरना देख लो मेरे को कितनी हेल्थ खा गया। तो अब इसका आपने क्रिकेट में नाम पढ़ लिया होगा, इसका नाम था ऋषभ ओपी। और आप इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि तुम्हारे भाई का नाम भी ऋषभ ही है। तो अब यहाँ पे मेरे को मेरी फेवरेट चीज़ मिल जाती है, स्नाइपर स्कोप। तो तुम्हारा भाई 3x में भी चला लेगा, पर आगे देखना, आगे होगा असली फन। यहाँ तक तुम्हारे भाई को पता चल गया था कि किल्स चाहिए और जोन बाबा से बचना है, तो यहाँ से निकलना तो पड़ेगा ही। तो भाई तुम्हारा वही धाड़ फाड़ गाड़ी निकालता है और चलता है एक फोर व्हीलर ढूंढने के लिए, क्योंकि बाइक तो भाई बहुत डेंजर चीज़ है, आपको ही पता है। जोन एंड से बचने के लिए इट्स अ परफेक्ट व्हीकल, बट ऐसे बहुत खतरनाक है। तो तुम्हारा भाई यहीं पे बगी निकालता है और इसका सबसे पहले कोशिश करता है कि एक टायर फूट जाए ताकि ये बगी इसे स्टेबल रहती है। एक और ट्रिक है, नोट कर लीजिए मन हो तो, नहीं तो गेम प्ले इन्जॉय कीजिए। उसके बाद तुम्हारा भाई यहाँ से चलता है और अब आएगा असली मज़ा। अब देखिएगा, तुम्हारा भाई यहाँ से जाएगा और जहाँ पे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि कोई होगा, वहाँ पे भाई को मिल जाते हैं दो बंदे। एक बॉट रहता है, बात अलग है, पर उस बंदे की बॉट से भी इतनी फटी रहती है कि वो घर में कर लेता है कैंप। अब देखिए उस कैंपर को कैसे मारेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई बग्गी लेके आता है, देखता है सामने से फाइटिंग चल रही है, तो सीधा यहाँ पे रोकता है धड़ फड़ और देखता है सामने ही एक बॉट है। ये पहली नज़र में तो बॉट नहीं लगता, बट तो तुम्हारा भाई इसको मार देता है। अब मेरे को क्या लगता है कि रिज पे बंदा है, पता नहीं तुम्हारे भाई के कौन से सस्ते नशे हैं। तो तुम्हारा भाई वही सस्ता सा 3x स्कोप लेके देखता है कि कोई रिज पे तो नहीं है, तो रिज पे तो कोई दिखता नहीं है वैसे, बट मेरा 6x वापस काम कर जाता है। मेरे को लगता है कि इसके अंदर कोई कैंपर है, तो तुम्हारा, और उसने स्मोक भी कर दिया पता नहीं क्यों। अब मैं ऊपर गया, देखता हूँ पीछे से गोली चलती है, तो मैं फिर सीधा प्रोन, मतलब तो
मारना तो था इसको, तो बस भाई तुम्हारा भाई चल गया चौड़ में, मेरे को मालूम था कि कैंप पर है, तो पहले तुम्हारा भाई लेफ्ट गया ताकि वो उधर एम करे और फिर सीधा राइट ताकि उसका एम चौक होने का चांस रहे, तो बस यहीं पे तुम्हारा भाई इसको मार देता है। अब तुम्हारे भाई की जो सबकी चाह रहती है फ्लेयर चलाने की, ओम लेने की, तो तुम्हारा भाई वही करता है, पर तुम्हारा भाई इतना जोश में रहता है कि चलते चलते फ्लेयर चला दी। अब ये जो लिख के आता है अंग्रेजी में ये तो तुम्हारा भाई समझ नहीं पाता कि क्या है, बट मिलती ही नहीं है ओम, ड्रॉप ही नहीं मिलती, 10 मिनट 15 मिनट खड़े रहते हैं ड्रॉप ही नहीं मिलती, पर अपन को तो किल्स चाहिए था, तो वही तुम्हारा भाई फिर गाड़ी लेके निकल चलता है। अब सामने से क्या आती है, गोली की आवाज़, और जब जाके देखते हैं तो पहले से ही वहाँ पे एक मतलब मिल चुकी है, तो इसको हम गाड़ी से नॉक करने की कोशिश करते हैं पर होता नहीं है, तो इसको मारने की कोशिश करते हैं तो मर जाता है। उसके बाद इसकी लूट देखते हैं, मेरे को तो लगता है ये मोस्ट प्रोबेबली बॉट होगा, पर इसने फिर गोली किस पे चलाई थी, कोई ना कोई तो होना चाहिए यहाँ पे, बट देखते हैं तो कोई नहीं है, तो फिर क्या करते हैं ड्रॉप पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे बंदे होंगे, कैंपर कहाँ पे होंगे, इसका तो कोई वो नहीं है कि कैसे है पता लगा सकते हैं, ESP तो है नहीं भाई पे, तो बस वहीं चल जाते हैं जहाँ ड्रॉप ले चलती है, क्योंकि ओम इज़ लव, तो अब चलते हैं ड्रॉप पे। अब ड्रॉप पे आएंगे जो वीडियो के शुरुआत में जो क्लच आपने देखा था वही देखने मिलेगा आपको ड्रॉप पे, तो चलिए मेरे साथ ड्रॉप पे। तो यहाँ जब मैं पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक गाड़ी जा रही है, मैं चाहता तो उसको गाड़ी से स्प्रे दे के बंदे निकाल देता, बट मेरा थोड़ा मस्ती करने का मूड था, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे गाड़ी से उतर जाता हूँ, मेरे को मालूम था कवर नहीं है, बट देन टू तुम्हारे भाई का जोश तो आप लोग जानते ही हो, देखते हैं कि उस पे है कि नहीं। मैंने अभी अभी सामने से देखा कि सामने से गाड़ी जा रही है, पर मैंने उस पे फायर नहीं किया क्योंकि मेरे को लूटनी थी ड्रॉप। अब मेरे को ये नहीं पता था कि लोग ड्रॉप लूट के ही जा रहे हैं, अब ओम का इतना लालच था कि किल छोड़ दिए, वहीं पे किल ले लेते तो शायद क्लच पहले हो जाता, बट नेवर माइंड। तो गए ड्रॉप पे, अब ड्रॉप पे जैसे ही मैंने देखा कि ड्रॉप पहले से ही कोई लूट के चला गया है, तो गुस्सा का पारा चढ़ चुका था, अब उन लोगों को मारना था, तो अब सीधा चल दिए रश। अब वो लोग गाड़ी में है, 3-3 बंदा है, पर तुम्हारे भाई की चोट तो तुम लोग जानते ही है, तो बस चल दिए। अब यहाँ पे वही वीडियो का स्टार्टिंग वाला क्लच आपको देखने मिलेगा, तो मेरे को सामने से गाड़ी दिखती है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा एक बंदा निकालने की कोशिश करूँ, पर तुम्हारे भाई का इतना घटिया स्प्रे, क्या ही बोलें, आप खुद देख लीजिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बकवास बंद कर देता हूँ ताकि आप ये क्लच का लुफ्त उठा सकें और कुछ सीख सकें। जो मैंने वहाँ पे आपको ड्रॉप शॉट की ड्रिल बताई थी उसको यहाँ पे नोटिस कीजिएगा। अब ये आखिरी बंदा बॉट था कि नहीं ये तो मेरे को नहीं पता, बट अगर इसकी एक गोली और टच हो जाती है तो तुम्हारा भाई ये क्लच नहीं कर पाता। तो यहीं पे तुम्हारा भाई जो सस्ती हीलिंग पड़ी रहती है, वैसे तो महंगी हीलिंग है लैपटॉप, इसको लगा लेता है कुछ भी करके और वेट करता है अगले बंदों का। तो अब तुम्हारा भाई बंदों की तलाश में आ जाता है ढूंढते ढूंढते ये पीली झाड़ियों पे। अब मेरे को दिखती है यहाँ पर बाइक, पर तुम्हारे भाई की हद पे शर्मी देखो कि वो बाइक पे गोली नहीं चलाता। मैं चाहता तो उसको आराम से उतार सकता था, पर मैंने सोचा कि आराम से जाना दो, तो उसका टीममेट भी वहीं से आ जाता है। अब भाई मेरे को कैसे पता कि दोनों लोग अलग अलग बाइक से आएगा। अब मैं उस पे उसको उतारने की कोशिश करता हूँ, पर इतना घटिया पे पता नहीं कैसे लगता है, मैं वहाँ पे उसको डैमेज देता हूँ। पर मैं तुम्हारा भाई यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करता है कि वो ये भूल जाता है कि वो वाला बंदा लेफ्ट से आया था। अब मैं उसको फिर डैमेज देता हूँ, पर यहीं पे तुम्हारे भाई की बन जाती है पेटी। तो बस भाई लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, बाय बाय।